BrainBaazi ke tum nawa. The Times of India. BrainBaazi. पिछले साल आज ही के दिन मुखातिब हुए थे आपसे. मतलब पिछले साल आज ही के दिन आपसे मिलने के लिए नर्वस थी, एक्साइटेड थी और इतनी खुशी वाली फील्स तो थी ही थी. आई थॉट फेसबुक साल भर पहले की मेमोरीज दिखाता है. मैं भी उससे इंस्पायर होकर के दिखाती हूँ आपको कुछ. ये देखिए, जैसे आप 11th क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और उसका भी आपने सही जवाब दे दिया तो यू विल प्रूव दैट यू आर द ट्रू ब्रेन बाजी के तो अपने आप को आप खुद प्रूव कर ही देंगे. उसके साथ साथ जो हमारा प्राइज है दैट इज 50,000 रुपीज, वो भी आप लेकर के जाएंगे. उसमें से अपना हिस्सा आप लेकर के जाएंगे. ऐसे ही मुखातिब हुई थी मेरी जान. मैं आपसे हैप्पी बर्थडे टू BaaziNow. फटाफट से बलून्स दिखाइए. बलून्स, हेलो. या ये आगे बलून्स. योलो, हाय, व्हाट इज अप पूरी फीम्स. मैं हूं मेगा एंड सुपर डुपर फूपू. वेलकम है आपका टू द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी, द इजीएस्ट क्विज टू विन पर. हाय जी हाय. ये जो वीडियो आपने देखी है ये पिछले साल ऐसे ही रूबरू हुए थे आपसे हम BaaziNow, और हमारी फ्रेंडशिप को भी बाय द वे एक साल हो चुका है. सो आई एम सो हैप्पी. चलिए अभी के लिए गेम की शुरुआत कर लेते हैं. गेम को मैंने आपको वेलकम कर दिया है. हमने हाय हेलो तो डेफिनेटली कर लिया है. अब रूल्स भी बता देती हूँ गेम के, जो कि बहुत ही सिंपल है. 9 सवाल लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए. आज होंगे 3 ऑप्शन पे लेंगे, 10 सेकंड्स एग्जैक्टली हर सवाल का सही जवाब देने के लिए. एंड आपको पता है ये जो 9 के 9 सवाल है आज के अखबार, आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया से ही बनकर के आए हैं स्पेशली आपके लिए. आई होप आपने पढ़ लिया हो आज का अखबार. उसी के साथ साथ तो पहला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा स्पेशल, क्योंकि ये है हमारा बर्थडे सवाल. दैट इज राइट. देखिए, इस सवाल को हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है. जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो सबके सब इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं. सही जवाब देना है बस, बिना लाइफ यूज करें, और इन रिटर्न एक लाइफ मैं दूंगी आपको. बट सुनिए, अगर आप मेरे 9 के 9 पूछे हुए सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो आप जीत जाएंगे अपना हिस्सा पूरे 50,000 रुपए में से. दैट इज राइट, 50,000 रुपीज में से आप अपना हिस्सा जीत करके जाएंगे. तो एक तो क्वेश्चन हो गया नंबर 1, ये स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि ये बर्थडे सवाल है, यहाँ पर आप लाइव जीत सकते हैं. एंड एक और स्पेशल क्वेश्चन है जो कि है हमारा एजेंट राणा सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 है ये सवाल. एंड आपने आज का अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा है तो एजेंट राणा तो डेफिनेटली मतलब एकदम अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि इस सवाल को मैं जो आपसे पूछूंगी आपने अगेन इसका सही जवाब देना है विदाउट यूजिंग अ लाइफ, तब इन रिटर्न आपको एक और लाइफ मिल जाएगी. मेघा तुम्हें क्या बोला, एक बड़ी पिंच कर लीजिए आप खुद को, क्योंकि हाँ असलियत में ऐसा हो रहा है, 2 लाइफ मिलने वाली आपको आज के स्पेशल गेम में. दैट इज राइट, बट यूज आप एक ही कर पाएंगे. हाँ चलिए, अभी के लिए 29,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हमारे साथ. हेलो पूरी पीस, माय पूरी पीस. एंड पहला सवाल यानी कि बर्थडे सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा. हाल ही में बर्खास्त हुई चंदा कोचर डैश की सीईओ थी HDFC बैंक, ICICI बैंक या फिर SBI बैंक. देखिए, चंदा कोचर जो है इस बैंक के कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड इंटरनल पॉलिसीज फॉलो नहीं करने के लिए सैक कर दिया गया आफ्टर शी वाज एलिजेड इन द कॉर्पोरेशन चार्जेस. ये असल बात थी, कौन से बैंक में थी वो आपने मुझे बताना था. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइक आई सेड बर्थडे सवाल है, सही जवाब देंगे विदाउट यूजिंग अ लाइफ तो आपको मिल जाएगी इन रिटर्न एक एक्स्ट्रा लाइफ. फिलहाल के जवाब मुझ तक पहुंचेंगे. द राइट आंसर इज ICICI बैंक. 18,998 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है विदाउट यूजिंग लाइफ, इसलिए एक्स्ट्रा लाइफ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो. बट 3,457 लोगों ने कर ली है लाइफ यूज. चलिए कोई बात नहीं, 22,000 से ज्यादा लोग गेम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बट ऑलमोस्ट 30,000 लोग हमको देख रहे हैं. गाइस प्लीज सबके साथ जुड़े रहिए, अपना अथा प्यार हमको देते रहिए जैसे आप पिछले एक साल से दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आता हुआ आप सभी लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा. कल की हार से पहले T20 इंटरनेशनल्स में इंडिया की सबसे बुरी हार 2010 में डैश के खिलाफ थी, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर पाकिस्तान. देखिए मत पूछिए, मतलब कल के मैच के बारे में आप मुझसे मत पूछिए. वैसे मैं आपको बता दूंगी यार, क्रिकेट के बारे में बात होगी तो मैं क्यों नहीं बताऊंगी. इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 सीरीज का फर्स्ट मैच था वेलिंगटन में कल, हाँ, जिसमें कीवीज ने इंडियंस को 80 रन से हरा दिया. मतलब ऑब्वियसली वी वॉन्टेड टू ब्लीड ब्लू बट नहीं हो पाया. न्यूजीलैंड ने क्यों धुआंधार बल्लेबाजी करी है, 219 रन बनाए थे यार, मतलब फील आ गई थी उनकी इनिंग्स देख करके. अभी जवाब बता दूं, फील उसकी भी ले लीजिए. 16,255 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया. द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. हम बात कर रहे हैं 2010 के ICC T20 वर्ल्ड कप की, जो कि वेस्ट इंडीज में खेला गया था,
और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन्स बनाए थे और इंडिया ने 135 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी। 49 रन से हार गए थे हम उस मैच में भी। थोड़ा लगा क्रिकेट की नॉलेज थोड़ा फ्लॉन्ट कर लीजिए। 2000 लोगों ने कर लिया लाइफ यूज, 18,325 लोग अभी भी मेरे साथ गेम में मौजूद हैं। तीसरा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा, इस साल कौन से एनुअल अवार्ड इवेंट को कोई होस्ट नहीं करेगा, ऑस्कर्स, ग्रैमी या फिर फिल्म फेयर? देखिए जो तीनों ऑप्शंस हैं आपने पढ़ लिए होंगे ध्यान से, सुन लिए होंगे ध्यान से, ये तीनों ऑप्शंस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बहुत ही फेमस अवार्ड सेरेमनीज है। अब देखिए ये बात तो तय है, कितनी आम सी बात है कि एक होस्ट होना या होनी तो अनिवार्य है ही, बट इन तीनों एस्टीम्ड अवार्ड सेरेमनीज में से 2019 में कोई होस्ट नहीं होगा, उसका आपने मुझे उस सेरेमनी का नाम बताना था और सही जवाब है ऑस्कर्स। तो कल ही ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि इस साल की ऑस्कर सेरेमनी बिना किसी ऑफिशियल होस्ट के होगी एंड इट विल जस्ट हैव प्रेजेंटर्स गिव अवे द अवार्ड्स विदाउट एनी होस्ट। 11,900 से ज्यादा लोगों को ये बात पता थी। सुनिए आपको याद है 2014 की एक बहुत ही पॉपुलर सेल्फी थी, मैं दिखा रही हूँ ये देखिए, हाँ तो ये ऑस्कर में ही ली गई सेल्फी थी और एलन डीजेनेरेस ने इस सेल्फी को लिया था। 2823 लोग लाइफ यूज करते हुए गेम में बाउंस बैक कर रहे हैं। 14,700 से ज्यादा लोग अभी भी मौजूद है मेरे साथ। तो चौथा सवाल गाइस आप लोगों के लिए ये रहा, कौन से क्लॉज के आधार पर जो एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देते हैं वो भुगतान किए गए पैसे और बोनस लौटाते हैं, बाय बैक, क्लॉ बैक या फिर शेयर बैक? देखिए चंदा कोचर के ICICI बैंक के हेड से सैक होने के बाद से ऐसे क्लॉजेस ना न्यूज में आने शुरू हो गए, अगर आपने गौर फरमाया हो तो, क्योंकि पता है काफी कंपनीज ना सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अब्रॉड यानी कि बाहर भेजती हैं फॉर द लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जब कंपनी सीनियर मैनेजमेंट में लोगों को हायर करती है तब ऐसे क्लॉजेस डाले जाते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में। अभी के लिए जवाब बता देती हूँ कौन से क्लॉज की बात हो रही थी। द राइट आंसर इज क्लॉबैक। क्लॉबैक क्लॉज की बात करी जा रही थी इस सवाल में और इस सवाल का सही जवाब दे दिया है 11,115 लोगों ने। शवाशे 1100 लोगों ने कर ली है लाइफ यूज एंड 12,221 लोग अभी भी मेरे साथ गेम में मौजूद है, बट ऑलमोस्ट 28,000 लोग गेम को देख रहे हैं गाइस। क्वेश्चन 7 तक जुड़े रहिए, एक लाइफ अपने फर्स्ट क्वेश्चन में जीत ली, अब 7th पे भी जीत लीजिएगा। चलिए पांचवा सवाल पढ़ा जाए आप सभी लोगों के लिए, ऑन योर स्क्रीन्स हियर इट इज। 1990 के दशक से किस देश में फीमेल सुसाइड रेट 90% तक कम हो गया है, चाइना, इंडिया या फिर जापान? देखिए 90 से लेकर अब तक ग्लोबली फीमेल सुसाइड रेट्स कम हुए हैं, पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ देयर एम्पावरमेंट, अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं एंड दे आर नॉट अ लॉट मोर सेल्फ रिलायंट, अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी दूसरे पे मतलब डिपेंडेंट नहीं है। आई एम जस्ट लाइक अ लिटिल वरिड कि ये 90% है, इसको मतलब 100% हो जाना चाहिए, मतलब एक भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसमें वी आर लेटिंग डाउन फीमेल्स। फिलहाल के लिए जवाब मुझ तक पहुंच चुके हैं, राइट आंसर इज चाइना। 8,085 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दे दिया है। 2,100 से ज्यादा लोगों ने कर ली है लाइफ यूज एंड 10,000 लोग अभी भी मेरे साथ गेम में जुड़े हुए हैं और वो 28,000 लोग अभी भी मेरे साथ गेम का हिस्सा बने हुए हैं। गाइस प्लीज बी अ पार्ट ऑफ द गेम, आप सबके सब क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बढ़ करके चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ एंड ये सवाल आपको लगेगा अरे मेघा इससे मिलता जुलता सवाल तो तुम ऑलरेडी पूछ चुकी हो। चलिए क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस अमेरिकी कॉमेडियन ने 2019 ऑस्कर्स की मेजबानी छोड़ दी जब उसके पुराने होमोफोबिक ट्वीट सामने आए, तो क्रिस रॉक, स्टीव हार्वी या फिर केविन हार्ट? या स्टीव हार्वी आपको याद है दिसंबर 2015 में काफी वायरल हो गए थे वो व्हेन ही वाज होस्टिंग द मिस यूनिवर्स पेजेंट, तो कायदे से मिस फिलीपींस थी उस साल की मिस यूनिवर्स बट उन्होंने अनाउंस कर दिया मिस कोलंबिया को, फिर जब सेलिब्रेशंस हो गए तब ही करेक्टेड हिमसेल्फ। कहीं इन्हीं की बात तो नहीं हो रही है? नहीं, इनकी बात नहीं हो रही है। सही जवाब आ चुका है, राइट आंसर इज केविन हार्ट। सो दिसंबर 4 2018 हार्ट को अनाउंस किया गया था एज द होस्ट फॉर 91st एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स, फिर दिसंबर 6 को ही स्टेप्ड डाउन एज होस्ट क्योंकि उनके 2010-2011 के होमोफोबिक ट्वीट्स के लिए उनको काफी क्रिटिसाइज कर दिया गया था। 9,697 लोगों को पता था इस सवाल का जवाब, बिल्कुल सही जवाब देते हुए बढ़ रहे हैं आगे। 63 लोगों ने कर ली है लाइफ यूज, 9,760 पीपल स्टिल अ पार्ट ऑफ द गेम, बट अब हम पहुंच चुके हैं अपने एजेंट राणा सवाल पे जिसको बढ़कर के अटेम्प्ट करेंगे। 27,512 लोग अगर ये सही जवाब देते हैं विदाउट यूजिंग अ लाइफ तो इन रिटर्न इनको एक एक्स्ट्रा लाइफ दूंगी मैं, आपकी आज की क्विज मास्टर। चलिए सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आज के एजेंट राणा में इनमें से किस शहर से कोई दृश्य नहीं दिखाया गया है, हांगकांग, मुंबई या फिर दिल्ली?
सो आज का एजेंट राना ऐसे स्टार्ट होता है कि राना को रेणुका का कॉल आया होता है हांगकांग से. मतलब हांगकांग तो हट के आपका ऑप्शन है. आज बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं बाय द वे. हुस्ना भी है, एजेंट राना ऑब्वियसली है ही, सिम्स का भी पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, आई का भी जिक्र है, एंड बोल्टन तो मतलब गुस्से में लालम लाल एकदम आग बबूला होकर के रखे हुए हैं. बट सही जवाब है मुंबई. मुंबई शहर का जिक्र नहीं हुआ है आज की एजेंट राना में. लाइक आई सेड, हांगकांग का जिक्र हो चुका है, दिल्ली का भी जिक्र हुआ है. एजेंट राना और सिम्स को दिल्ली में ही ढूंढा जा रहा है. 11,407 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है. 1,490 पीपल यूजिंग देयर लाइव्स एंड स्टिल अ पार्ट ऑफ द गेम आर 8,205 पूरी पीट सब पहुंच चुके हैं मेरे साथ आठवें सवाल पर, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर. हां जी रेडी है, क्योंकि मैं रेडी हूं आपकी स्क्रीन पर आता हूं. क्वेश्चन 8 ये रहा. जैन धर्म में डैश छह अनंत पदार्थों में से एक नहीं है जिसे द्रव्य कहा जाता है, पृथ्वी, आकाश या फिर काल. अब ऐसे दिमाग में ऐसे रिवाइंड करिए, इसे पूरा रिवाइंड करिए कि आज क्या क्या पढ़ा था आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया में. सारे सेक्शंस स्पोर्ट्स पढ़ लिया था, ओके ठीक है, बिजनेस चेक, नेशन पढ़ लिया था, इंटरनेशनल पढ़ लिया था, एडिटोरियल क्लिक. एडिटोरियल सेक्शन में अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो ये बहुत ही इजी होगा मेरी जान आपके लिए. बता दो फिर क्या जवाब है. चलो ठीक है, आपका जवाब आ चुका है. मुझसे राइट आंसर इज पृथ्वी. सो जैनिज्म में छह द्रव्य कहलाते हैं, सेंटियंट बींग्स और सोल्स यानी कि जीव, नॉन सेंटियंट सब्सटेंस और मैटर यानी कि पुटगला, प्रिंसिपल ऑफ मोशन यानी कि धर्म, द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट यानी कि अधर्म, स्पेस यानी कि आकाश एंड टाइम यानी कि कला. 2876 लोगों को ही पता थी ये बात एंड ऑलमोस्ट 5000 लोग गलत जवाब दे बैठे हैं. इसलिए बनता है मेरा आज का पहला गब्बर सवाल. चलिए चलिए, स्पेशल अपीयरेंस हो चुकी है हमारे गब्बर जी की भी. इन्हीं को मिस कर रहे थे क्या? देखिए मैं तो चाहती थी कि ये ना आए, बट कोई बात नहीं, गलत जवाब दे दिया आपने तो कोई बात नहीं, हम बढ़ते हैं आगे. 5128 लोग बढ़ करके मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे आज का फाइनल सवाल. दैट इज राइट. तो रेडी हैं आप, क्योंकि मेरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर. आप करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान के साथ बैठक के लिए इंडिया ने क्या तारीख सुझाव नहीं दिया? ध्यान दीजिएगा, सुझाव नहीं दिया है. 12th मार्च, 7th मार्च या फिर 26th मार्च. तो करतारपुर कॉरिडोर जिसके बारे में 26th फेब, सो ध्यान दीजिएगा. देखिए जो करतारपुर बॉर्डर के बारे में बात हो रही है, ये एक प्रपोज्ड बॉर्डर कॉरिडोर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनाया जाएगा, जो कि कनेक्ट करेगा सिख श्राइन्स डेरा बाबा नानक साहिब जो कि पंजाब में है, और गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जो कि पाकिस्तान में है. और सही जवाब है 12th of March. पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था कि मीटिंग होनी चाहिए 12 मार्च को, और इंडिया ने सजेस्ट करी थी दो डेट्स, एक नहीं दो, एक फरवरी 26th और एक मार्च 7th. 3,292 लोगों को पता थी ये बात, शाबाश. 471 लोगों ने कर ली है लाइव क्यू. सो मेरे आज के कुल ब्रेन बाजीगर्स बनते हैं 3,763. देखते हैं आज मेरे कितने पुटी पीप जीते हैं पिछले साल और इस साल आज ही के दिन कितने सारे लोग जीते. 3,763 लोग. मुबारके जी मुबारके. मोना बाजीगर, बी के राम, एस के रोहित, धीरू सैंडलवुड 1990, व्हाट अ नेम सर, जी डी एल, समर मिथिलेश, पी के बहरा, ACHF, सनी, रानी, हरीम, पप्पू, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद. आज तो आपको ऐसे लकी फील हो रहा होगा, और अगर आप पिछले साल भी आज ही के दिन जीते थे तो हैशटैग डेजावू तो डेफिनेटली हो ही हो रहा होगा. बट कोई बात नहीं, अगर नहीं जीत पाए एक्स्ट्रा लाइफ जीत गए वो भी कितनी कमाल की बात है, आगे वाले गेम्स में तो यूज जाएंगी. अभी के लिए 9 बजे शार्प पोलबाजी खेल सकेंगे आप, कल दोपहर में दोबारा से बाजी नाव के जब दर्शन करेंगे तो 1 PM खेल सकेंगे मिनी ब्रेन बाजी, फिर 3 बजे मिनी पोल बाजी, एंड शार्प एट 4:30 आप खेल सकेंगे मिनी बिंगो बाजी. गाइस मुझे बस एक बात मतलब ऐसे कन्फेस करनी है, ये कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. मतलब एक साल हो चुका है हमको मिले हुए, तो हमारा जो प्यार है ना वो ऐसे मतलब दिन पर दिन बढ़ता चला गया. अब देखिए एक साल हमको मिले हुए हो गया, ठीक है अब आगे भी बहुत सारे साल हो जाएंगे. बट अभी के लिए मैं चलती हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू थैंक यू सो मच इतना सारा बेहद बेशुमार प्यार बरसाने के लिए, एंड इतना ही प्यार आपसे और चाहिए, एंड इन रिटर्न हम भी आपको इतना ही प्यार देंगे. फिलहाल के लिए चलती हूँ, मुलाकात होगी आपसे जल्दी. तब तक के लिए यू हैव टू डू दिस वन लिटिल थिंग, यू हैव टू #missme. आई एम मेगा सिंग टूरिस्ट.
The Times of India, BrainBaazi.